जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कतर की, जो एक छोटा सा देश है और जिसकी आबादी 30 लाख है, उस देश की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। नाम कतर है और अब भारत उसके पर कतरने की कोशिश में है। कनाडा के बाद भारत ये कतर का अब पर कतरेगा, ऐसा लग रहा है। अब मैं बता रहा हूं, इसके थोड़ा विस्तार में अब बताऊंगा। कतर दरअसल एक इस्लामिक देश है और इस्लामिक देशों में भी एक बड़ा कट्टर इस्लामिक देश है, और इसकी आमदनी का मेन जरिया दो सोर्स है इसका। एक सोर्स है इसके नेचुरल गैस, शायद विश्व में सबसे ज्यादा यहीं पर निकलती है नेचुरल गैस, और ये विश्व का सबसे प्रमुख नेचुरल गैस सप्लायर है। और दूसरी इसकी कतर एयरवेज है, जो काफी माने प्रॉफिट मेकिंग एयरवेज है। इसके लिए ही, इन दो जरिए से ही जो पैसा की इनकी इसकी कमाई होती है, तो आजकल इसके पर निकल आए हैं, घमंड में यह पागल हुआ है। और इसने यहां पर हमास लोगों का सबसे बड़ा अड्डा बनाया है अपने देश में। जो हमास, जो गाजा पट्टी का सबसे बड़ा गुंडा सरदार, गुंडा एजेंसी, माफिया, आतंकवादी संगठन हमास, उसका मेन हेडक्वार्टर जो है कतर में ही है। और इसके पहले आप लोग सबको ही सुने होंगे अलकायदा, अलकायदा का जो सरगना था ओसामा बिन लाडेन, उसका भी हेडक्वार्टर कतर ही था। और एक जितने भी जिहादी हैं सारे दुनिया में, उनका सबसे मोस्ट फेवरेट टीवी चैनल होता है अल जजीरा। वह अल जजीरा भी इसी कतर से ही ऑपरेट होता है, अर्थात इसी कतर में ही है अल जजीरा। और इसकी और कुछ बातें भी हैं, इसकी जो आर्मी है। हाँ, पहले मैं एक और बात बता दूं, पिछले साल यहाँ वर्ल्ड कप फुटबॉल भी आयोजन हुआ था, और उस वर्ल्ड कप फुटबॉल आयोजन के लिए यहाँ स्टेडियम, नए नए स्टेडियमों का निर्माण हुआ था, और उस नए नए स्टेडियम निर्माण के लिए मजदूर मुख्यतया भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के मजदूर गए थे वहां स्टेडियम निर्माण के लिए। और 56-57 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप अंदाज लगा सकते हैं कि 56-57 डिग्री सेल्सियस में, जो इन चार मुल्कों का नाम मैंने लिया है, इन मुल्कों के मजदूर वहां जाकर स्टेडियम निर्माण में काम किए। एवं इतनी भयंकर गर्मी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, तत्पश्चात 6,000 मजदूरों की पिछले साल और उसके पिछले साल मौत हो गई। उसमें अकेले भारत के मजदूर थे 2200 अकेले भारत के थे। और इसी बदमाश कतर ने एक भी मजदूर को कंपेंसेशन के तौर पर एक भी रुपया उसके परिवार वालों को नहीं दिया। ये इतना क्रूर और इतना बदमाश कतर है। इसके अलावा इसके जो कारनामे हैं, हमारे यहाँ पर एक, आप लोग को सबको याद होगा, एक IMF हुसैन हुआ करते थे, बहुत बड़े चित्रकार, जितने सेकुलर गैंग है हमारे देश में, सेकुलर मीडिया, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी, सेकुलर गैंग, उन सब के बड़े चहेते थे वो, बहुत फेवरेट थे IMF हुसैन पेंटर। वो IMF हुसैन की सबसे बड़ी खूबी क्या थी, जो ये सेकुलर लोग उसको सिर पर बिठा के घूमते थे, वो हिंदू देवी देवताओं के नग्न फोटो बनाता था, काली माँ की, सरस्वती माँ की, ये सब की नग्न चित्र वो बनाता था। वो उसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन थी, सबसे बड़ी खूबी थी। एवं उसके पर भारत में केस चला, केस को वो सम्मुखीन हुआ नहीं, सामना किया नहीं, भाग के कतर में ही शरण दे दिया, और कतर में ही उसने अंतिम सांस भी ली। अलकायदा का जो सरगना था ओसामा बिन लाडेन, उसका तो हेडक्वार्टर वहीं पर था कतर में। मतलब सारे दुनिया के जितने आतंकवादी संगठन हैं, सबका प्रिय डेस्टिनेशन कतर ही है। हमास का जो अभी इजराइल के साथ पंगा चल रहा है, उसका भी कतर ही डेस्टिनेशन है, फेवरेट डेस्टिनेशन। अब और बता रहा हूं,
पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वहां की कतर के आर्मी को ट्रेनिंग दे रही है, और वहां कतर की जो नेवी है, नेवल फोर्स है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे भारत के 8 नेवल रिटायर्ड ऑफिसर गए थे ट्रेनिंग देने के लिए, टेक्निकल बातें समझाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। वहां एक टेंडर प्रोसेस में एक बाहर के एक विदेशी मुल्क के किसी धन्ना सेठ ने वो टेंडर पकड़ा था कि मैं ट्रेनिंग मुहैया कराऊंगा कतर के नेवी की, और उसने यहां पर भारत के बड़े बड़े रीडिंग इंग्लिश अखबारों में ऐड दिया कि भाई कतर में कतर की नेवी को ट्रेनिंग देना है, तो रिटायर्ड जो काबिल ऑफिसर है नेवी के भारत के, वो कृपया अप्लाई करें। तो भारत के रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों ने अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हुए, और वो वहां जाकर कतर में ज्वाइन भी किए ड्यूटी में, और उन्होंने ट्रेनिंग भी आरंभ कर दी, ट्रेनिंग भी दिया कतर के नेवी को। लेकिन अननेसेसरी झूठे केस में भारत के रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों को कतर ने फंसाया, फंसाया भी इसलिए उसके पीछे पाकिस्तान का ब्रेन है, चाइना का ब्रेन है। वो भी क्यों किए हैं वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। दरअसल पिछले महीने जो हमारे देश में G20 का सम्मेलन हुआ था, सारे विश्व की महाशक्तियां यहां पर आई थी, आप लोगों को सबको मालूम होगा, उसी G20 में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से भी पारित हुआ था कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका नाम था। उससे चाइना जो है वो चिढ़ गया, क्योंकि उसका एक प्रोजेक्ट था BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, और इटली की प्रधानमंत्री जब भारत आई G20 शिखर सम्मेलन में, आने के पहले ही उसने चाइना के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था इटली का, चाइना का BRI के तहत, वो कैंसिल करके आई थी या इंडिया में। इसके अलावा सारे दुनिया के मुल्कों ने चाइना की सारी चालाकी, बदमाशी, धूर्तता सब समझ ली है, ये कर्ज का जाल में फंसाता है देशों को और अपनी मनमानी करता है, वो वहां के संसाधनों को लूटता है। इसलिए अब BRI मोटा मोटी तौर पर सारे विश्व में फेल है, उसका प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान में तो कब से ही फेल है, इसके अलावा सारी दुनिया में भी फेल हो गया। तो वो कदापि नहीं चाहता है कि भारत इसमें मेरे से आगे बढ़े, आगे उसके कदम हो और भारत की संपन्नता सफलता सारे विश्व में छपके, वो कदापि नहीं चाहता है। इसलिए कतर को उकसाने में, भड़काने में, और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर को भटकाने में, या मतलब जैसे टेक ऑफ नहीं हो वो सब करने में, गड़बड़ाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहा है अभी चाइना, और पाकिस्तान तो उसका चमचा है ही, उसका एजेंट है ही। तो पाकिस्तान के बोलने पर कतर ने भारत के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों को फांसी की सजा दिला दी। वो एक ऐसा इस्लामिक देश है, ये भारत का जैसा नहीं है कि भारत इंग्लैंड अमेरिका जापान जर्मनी जैसा ओपन कोर्ट है, किसी के ऊपर ट्रायल होगा तो चलेगा, सारी दुनिया जहां जान सकती है, मीडिया वाले भी फ्री है जाने के लिए, वकील दोनों साइड के लड़ते हैं और तारीख पर तारीख पड़ती है, वो सब वहां नहीं है इस्लामिक देश में, खासतौर पर कतर में, वहां सब क्लोज सारा मामला होता है, सारे के सारे मामले क्लोज होते हैं, कहीं किसी को कानो कान खबर नहीं। तो उन्होंने अपनी कब उनकी कोर्ट बैठी, कब लोअर कोर्ट उनकी सजा भी दे दी, और इनके तरफ ये जो 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर, उनके तरफ से कोई वकील भी नहीं गया, इनके तरफ से कोई इनके रिश्तेदार भी नहीं गए, इन्होंने भी अपनी तरफ से क्या पैरवी की नहीं की, वो सब भी बातें मीडिया से गायब है। अब बात यह है मामला कि ये अभी इसी समय क्यों हुआ, इसका भी कारण है, इस समय क्या क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी इसराइल और फिलिस्तीन, विशेषकर हमास के संग जंग चल रही है, उसमें 4-5 इस्लामिक देश खुलकर हमास का संग साथ आ गए हैं। उसमें एक तो कतर है, एक लेबनान है, एक ईरान है, एक सीरिया है, एक उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है सेंट्रल एशिया में, जहां से मुगल साम्राज्य भारत में लेकर आए थे बाबर, वो सेंट्रल एशिया से ही आए थे, वहीं से वो है उज्बेकिस्तान, वहां ISI का बहुत बड़ा अड्डा है उज्बेकिस्तान में, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। और फिलहाल मैं आपको एक और बात बता दूं, फिलहाल अभी हमारे जो कांग्रेस पार्टी, बूढ़ी कांग्रेस पार्टी के बूढ़े युवराज, वो भी वहीं पर पहुंचे हुए, कल से वहीं पर पहुंचे हुए उज्बेकिस्तान। इससे साफ साफ मालूम हो रहा है कि जो चाइना, पाकिस्तान, राहुल गांधी जो वहां पर पहुंचे उज्बेकिस्तान,
ये सारा कुछ न कुछ, ये लोग कुछ न कुछ कुछ न कुछ षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचने वाले हैं या रच रहे हैं, जो हमको आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में हमको मालूम होगा। और विशेषकर यह हमारा मानना है, जो हमारे पास भी सूत्रों से जो खबर आई है, कि ये जो अभी 5 राज्य के चुनाव हैं नवंबर में दिसंबर में, उसको भी प्रभावित करने के चक्कर में, कि अगर कुछ 19-20 हो जाए, उन 8 नेवल रिटायर्ड ऑफिसरों को अगर फांसी दे दी जाए, जिसकी सजा वो लोग सुना चुके हैं, अगर दे दी जाती है तो यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसको बहुत मुश्किल होगी पब्लिक का सामना करना। अगर अभी भी नहीं भी हुआ तो अगले बार जो 4-5 महीने के बाद जो लोकसभा चुनाव है उसके पहले अगर फांसी की सजा दी जाती है तो फिर मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा भारत की जनता के सामने सामना करने में। ये सब षड्यंत्र अभी चल रहा है जोर शोर से, और उसी के तहत कतर ने ये फांसी की सजा का ऐलान किया है। अब भारत सरकार के पास विकल्प क्या है? एक तो कूटनीतिक तरीके से जो डिप्लोमेटिक मिशन होता है उसके जरिए से अपनी बात को पहुंचाए, दूसरा जो सारे दुनिया का जो सबसे बड़ा दादा बनता फिर रहा है वो जो अमेरिका, अमेरिका बहादुर सब जगह अपनी दखलअंदाजी कर रहा है, उसको बोले कि वो कतर को समझाए। इसके अलावा जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हॉलैंड में है हेग में, वहां जाए। ये तीन मेरे ख्याल से तो 3 ऑप्शन है भारत सरकार के पास, चौथा पांचवा तो कोई मेरे ख्याल से ऑप्शन है नहीं। ये हुई बात। लेकिन इसका जो पीछे सबसे बड़ा कारण ये है मेरे को जो लग रहा है, षड्यंत्र के तहत तो हुआ है, एक और कारण जो सब ये कतर जो बोल रहा है कि ये 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों ने इजराइल के लिए कतर में जासूसी की है। पहली बात तो कि अगर भी मान लिया जाए कि कतर सरकार जो बोल रही है कि इजराइल के लिए इन लोगों ने जासूसी की है, तो ये बात सब सारा प्रमाण दे, भारत के सामने प्रमाण दे, दुनिया के सामने प्रमाण दे, इजराइल के सामने प्रमाण दे कि इन इन जगह पर इन इन टाइम में ये लोग पकड़े गए, ऐसे ऐसे जासूसी करते गए और उनके हाथ में ये कागजात वगैरह, ये डॉक्यूमेंट्स जो भी कुछ हाथ लगे वो सब सारे प्रमाण दे मीडिया के सामने, दुनिया के सामने उनको देना चाहिए, जबकि वो देगा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर वास्तव में अगर ये देगा और इजराइल का नाम से प्रमाण देगा तो फिर तो इसकी खबर तो इजराइल दे देगा कतर की। आपके केवल याद दिलाते 1967 में 1973 में सारे के सारे विश्व के इस्लामिक देश एक साथ में इजराइल के ऊपर टूट पड़े थे, और इजराइल ने पहला 67 की जंग 6 दिन में जीती थी, दूसरी जंग 73 में 9 दिन में जीती थी। अभी 22-23 दिन हो गया, अभी इसलिए वो फील्ड वार अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे मैंने इफ्स एंड बट्स है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पेंच पांच है, वो सब में मैं अभी जाऊंगा नहीं, उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो ये जो एक सामान्य प्रक्रिया है, जैसे हमारे अभी भारत में जैसे बैडमिंटन है, हॉकी है, क्रिकेट है, ये जो मैच वगैरह खेल जो होता है, कुश्ती है, ये सारे दुनिया, भारत के भी जो रिटायर्ड प्लेयर है वो दुनिया में दूसरे देश में जाके कोचिंग करते हैं, वैसे ही दूसरे देश के मुल्क के भी कोच भारत में आकर यहाँ के प्लेयर लोगों को कोचिंग देते हैं और वो पैसा पाते हैं कोच जो देने वाले। वैसे ही सेम मिलिट्री वाली बात भी वही है, अभी आज के दिन भी भारत की तरफ से मिलिट्री ट्रेनिंग, ये जो नेवी ट्रेनिंग थाईलैंड को दी जा रही है, सिंगापुर नेवी को दी जा रही है, ये कोई नई बात नहीं है। और भारत के जो मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, दूसरे विदेशों के भी लोग, देशों के लोग यहां पर आके मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें सरकार का कोई विशेष भूमिका नहीं है। और फिर उसने तो एक टेंडर के माध्यम से, कतर देश ने टेंडर के माध्यम से एक बिजनेसमैन को ठेका दिया था अपनी नेवी को ट्रेन करने के लिए, वो भी विदेश का था, कतर का नहीं है ना भारत का है, उस विदेशी नागरिक ने कि यहां पर पेपर में ऐड दिया भारत के पेपर में और यहां से जो सिलेक्ट करके आदमी देके गया। कहां पर भी मतलब देखा जाए तो ना भारत सरकार की कोई गलती है, ना उसकी भूमिका है, ना रिटायर्ड ऑफिसर भी जो लोग गए वो अपने हिसाब से गए, तनख्वाह पाएंगे, पैसा पाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, कहीं कोई गलती वाली बात नहीं है। लेकिन ये जानबूझकर, चूंकि सबसे बड़ा इसकी चीड़ कतर की इसलिए हुई है कि भारत ने अपने पुराने जो स्टैंड आज तक हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया, कभी इजराइल का साथ नहीं दिया, पहली बार भारत सरकार ने अपने सच्चे मित्र इजराइल का साथ दिया और कड़े शब्दों में हमास के आक्रमण की निंदा की है, जो उसने आक्रमण किया था 7 अक्टूबर को, इस 20-22 दिन के पहले जो आक्रमण किया था इजराइल के ऊपर, उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और इसराइल का साथ दिया है, इसलिए सबसे ज्यादा अभी कतर चिढ़ा हुआ है। चिढ़ के भी क्या होगा,
आज भारत ने जो कनाडा को जो सबक सिखाया है, कतर को भी सबक सिखा सकता है, और उसके पहले जो डिप्लोमेटिक चैनल है और जो दूसरे दूसरे विकल्प है उसकी तलाश भी भारत सरकार कर रही है, हम लोगों के पास भी खबर है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।